Hey guys, welcome back to my channel and I hope you guys are doing absolutely great and are in good health. So, अभी हम निकले हैं मार्केट के लिए क्योंकि हमें शादी के छोटे मोटे काम करने हैं, मतलब कुछ छोटे कुछ बड़े काम करने हैं. जैसे कि एक मुझे आई एम वेयरिंग साड़ी ऑन माई ब्रदर इन लॉज वेडिंग, सो मुझे उसके ब्लाउज स्टिचिंग के लिए देना है. एंड देन सेकेंड जो काम है वो है अमित का, अभी तक ड्रेस फाइनलाइज नहीं हुआ है वेडिंग का ड्रेस, तो उसके लिए भी हम जा रहे हैं. पहले हम लोगों ने चांदनी चौक में भी काफी सर्च किया, मतलब पूरा सेट मिल जाए, पर मिला नहीं. तो हम लोग डिजाइन, मतलब सोच रहे हैं कि हम लोग खुद से ही मतलब उसका ड्रेस डिजाइन करें, लाइक धोती ऊपर का, कुर्ता उर्ता जो भी है ना, मतलब अभी उसके लिए भी जा रहे हैं. तो देखते हैं कि बन पाता है कि नहीं. अगर नहीं बन पाएगा तो देन वील गो टू मार्केट ओनली और हम रेडीमेड ही खरीदेंगे. एंड द थर्ड थिंग इज, जिसके लिए मैं जा रही हूं पर आई डोंट थिंक इट विल बी पॉसिबल टूडे, बट वील ट्राई. मैं अपनी नोज मतलब नोज छिदवाने जा रही हूँ फिर से, क्योंकि मेरी नोज छिदी हुई है इफ यू कैन सी, पर ये बंद हो गई है किसी वजह से, आई डोंट नो. मतलब इतने साल से बंद नहीं हुई थी, पर शादी के टाइम पे जब मैंने नथ डाली अपनी, स्पेशली हमारे यहाँ मैंडेट होता है नथ डालना, तो हमने नथ डाली. उसके बाद जब मैंने वो नथ निकाल दी, उसके बाद पता नहीं एक साल के अंदर कैसे बंद हो गई. मतलब इतने साल से बंद नहीं हुई थी पर नथ डालने के बाद बंद हो गई. सो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई दिस हैपेंड, बट एनीवेज, सो मुझे फिर से अपने नाक में ये छेद करवाना पड़ेगा. और अब तो मसल थोड़ी टाइट भी हो गई होगी तो दर्द भी होगा, इसलिए मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है. पर इट इज वेरी वेरी जरूरी क्योंकि मुझे शादी में नथ पहननी है, और ठीक एक हफ्ते बाद मेरे मामा जी की शादी है तो मुझे उसमें भी नथ मैंडेट पहननी है, तो मैं इस चीज से बच नहीं सकती हूँ, तो मुझे करवाना ही पड़ेगा. सो अभी हम यहाँ रुके, थोड़ा अमित को थोड़ा बैंक से काम था, उसके बाद हम चलते हैं मार्केट एंड देन लेट्स सी कि क्या क्या होता है. तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस शॉप पे पहुँचे जो इस मार्केट की काफ़ी अच्छी शॉप है, जिसका नाम था शुभी मैचिंग सेंटर. और यहाँ पर भी हमें काफ़ी सारे काम थे, जैसे मुझे मम्मी जी या अपने एक दो साड़ियों के पेटीकोट भी लेने थे. आप ये साड़ी देख रहे हैं, इसका पेटीकोट मुझे काफ़ी मुश्किल से मिला क्योंकि ये कलर मैच नहीं हो रहा था, सो फाइनली ये भी मिल गया था. देन मुझे अपने ब्लाउज़ के लिए नेट का कपड़ा चाहिए था, मस्टर्ड कलर का, जो कि मुझे नहीं मिला. ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला तो थोड़ा इसमें मस्टर्ड दिख रहा है, पर ये ऑरेंज कलर का था तो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा था, तो ये मैंने ड्रॉप ऑफ कर दिया था आइडिया. इसकी जगह मैंने वाइट नेट लिया था और उसको मैंने सोचा कि मैं डाई करवा लूँगी. देन ये जो आप मेहरून वाला कपड़ा देख रहे हैं ना, ये मैंने अपने ब्रदर इन लॉ के लिए लिया था. ये 6 मीटर कपड़ा है और ये इसलिए लिया था क्योंकि उसका मन था कि रेडीमेड पगड़ी की जगह अगर जो बांधने वाली पगड़ी होती है ना, अगर वो पॉसिबल हो पाए, पर देखते हैं कि वो हो पाता है कि नहीं, क्योंकि मुझे भी बांधनी नहीं आती. अगर मेरे से हो पाया तो होगा, नहीं तो फिर रेडीमेड ही पहनेंगे. बाकी तो हमारा इस शॉप से सारा ऑलमोस्ट काम हो ही गया था जिस चीज़ के लिए हम आए थे, तो बस और कुछ नहीं. और ये शॉप आप थोड़ा सा देख लीजिए, आप ग्रेटर नोएडा में रहते हैं तो आप इस शॉप पे आ सकते हैं, काफ़ी अच्छी शॉप है. मतलब ऑलमोस्ट जो भी आपको मैचिंग की चीज़ें चाहिए, दुपट्टा तो या फिर कोई ब्लाउज़ का कपड़ा, पेटीकोट, सब मिल जाएगा. अच्छी शॉप है, मतलब मुझे तो काफ़ी पसंद है ये शॉप. अब आ गए हम अमित की शॉपिंग के लिए. अमित के लिए हमने ये चीज़, ये दोनों चीज़ें फाइनलाइज़ की है. सो वाइट जो आप देख रहे हैं, इससे इसका धोती और कुर्ता बनेगा,
और इससे इसका शेरवानी बनेगा। सो ये मुझे बहुत पसंद आया। देन ये वाला इसका तिलक के लिए गोल्डन से कुर्ता एंड ब्लू से इसका धोती। सो मैं और अमित दोनों ही टोटली सेटिस्फाइड थे। हम लोगों ने दोनों जो भी पसंद किए दोनों कपड़े, तो हम लोग काफ़ी खुश थे कि हम लोग को जो चाहिए था वो मिल गया। अब यहाँ पर अमित का मेजरमेंट हो रहा है। देन थोड़ी देर बाद हम यहाँ पर फुटवेयर के शॉप में आए थे और यहाँ पर हमने काफ़ी फुटवेयर देखे। फिर बड़ी मुश्किल से अमित को एक अपने लिए पसंद आया जो उसने तिलक के लिए डिसाइड किया है। और शादी के लिए तो उसको नहीं पसंद आया, तो शादी के लिए तो हम सोच रहे हैं कि हम नोएडा या दिल्ली से ही देखें, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक अच्छा नहीं था ज़्यादा, तो उसके लिए तो हम नोएडा दिल्ली ही जाएंगे। गाइज़ यहाँ पर अमित का फेस देखे, इन्हें कुछ नहीं पसंद आ रहा है, सारे रिजेक्ट हो रहे हैं ये। इनके पास कुछ अच्छा था ही नहीं दिखाने के लिए, तो हम भी लोग इरीटेट हो रहे थे कि इतनी देर से देख रहे हैं कुछ पसंद नहीं आ रहा। ये वाला इन्होंने दिखाया था पर एक ही था इनके पास, साइज़ अवेलेबल नहीं था, तो ये भी नहीं लिया हम लोगों ने। इट्स अ नेक्स्ट डे, एम शूटिंग एंड कल हमारा मोस्टली काम हो गया था। अमित की ड्रेस फाइनलाइज हो गई थी, मेरा टेलर वाला काम नहीं हुआ था क्योंकि भैया परसों या उसके अगले दिन ही आ पाएंगे तो तभी हो पाएगा। एंड सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट काम जो मैं आपको कह रही थी कि शायद नहीं हो पाए, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कल मार्केट में टाइम लग जाएगा तो शायद नहीं हो पाएगा, और वो है मेरी पियर्सिंग इज डन एंड आई एम सो हैप्पी कि मेरी पियर्सिंग हो गई है और मुझे अब मैं नथ आराम से पहन पाऊंगी शादी में। एंड हाँ, जो लड़कियां भी नथ मतलब पियर्सिंग करवाने से डरती हैं कान में या नाक में, मैं उनको बता देती हूँ, इट जस्ट द फ्लिक ऑफ अ सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में हो जाएगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपको अभी वीडियो क्लिप में दिखा दूंगी कि कैसे पियर्सिंग हुई थी मेरी। निशान देख लो भाई, ये नीचे लग रहा है जो आपके किया हुआ था, इससे हल्का सा ऊपर है, हल्का सा ये जो ऑलरेडी हो रखा है ना उसी मोड में है, नीचे रहेगा। हां नीचे रहने दो, कोई बात नहीं, ये इसके हिसाब से ग्रोथ के हिसाब से भी नीचे रहेगा, अच्छा नहीं लगेगा। हां है तो कर दो, मेरे तो जान निकल जाएगी, इधर ही कर दो आप। उधर क्या होगा ना कि वो होल पता है आपको, तो आप उधर ही कर दोगे और फिर वो अलग अलग छेद ना, ये मार्क तो बन चुका है ना, फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा अब इसको जैसे मुझे कुछ पहनना है तो कितने दिन बाद? 10-15 दिन बाद में। अभी इसी को रहने दो ना, अभी तो इसी को रहने दो, 10-15 दिन बाद में जब आपको कुछ बेटर फील होए तो आप चेंज कर सकते हो। That was all for this vlog and I hope I'm not looking odd, क्योंकि मैं बहुत साल बाद ये नोज पिन पहन रही हूँ। सो आई विल गेट इट चेंज्ड आफ्टर अ फ्यू डेज, क्योंकि ये थोड़ी सी मेरे नाक के लिए
मतलब मुझे बड़ी लग रही है, सो आई विल टेक अ वेरी स्मॉल वन. सो आई थिंक दैट वॉज ऑल फॉर द व्लॉग एंड आई होप यू एंजॉय दिस व्लॉग. इफ यू डिड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल. सो लेट मी नो द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो वट एवर यू वॉन्ट टू से. सो टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, बी काइंड टू एनिमल्स एंड आई लव यू गाइस सो सो मच.